अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा से आवाज नहीं निकली, आगे तो आपके माशाल्लाह ऐसे बोल रहे थे जैसे स्पीकर दिया होता है हाथ में। शादीशुदा है। अच्छा बीवी से ज्यादा डर लगता है आपको या शेर से? मैं तो किसी से भी नहीं डर लगता, अल्लाह पाक से डर लगता। आए ये बात ना करें, आपके बाल पहली उम्र में सफेद आ गए हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी थी 30। 30? तो 30 साल में माशाल्लाह बाल सफेद आ गए हैं। टेंशन ले लेके बीवी की? टेंशन की ये बात नहीं है, जो माहौल खाने पीने का मिलावट है हर चीज। यहाँ पे आप नहाने के लिए आए हैं, तरबूज खाने आए हैं? ये तरबूज भी, वैसे तरबूज भी खाने आए, नहाने के लिए भी आए। आपकी जुबान कौन सी है, आप कहाँ से ताल्लुक है आपका? हम राजपूत हैं, हम इधर के रहने वाले हैं। आप इधर के? आपकी जुबान बड़ी प्यारी है ना, अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह से। आपने मला सुन के मजा आया, लेकिन ये है कि आप माने या ना माने, डरते आप बीवी से ही हैं। ये कह रहे हैं मैं बीवी से नहीं डरता, अल्लाह की जात से डरता। अल्लाह की जात से हम सब डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद आप समझ रहे हैं कि देखे जो बीवी से डर गया वो सबसे डर गया। मुझे मिले यहाँ पे प्यारे से भाई, जो उनसे पूछते हैं अपना आज का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप बड़े प्यारे हैं, बट तो नहीं होते कहीं आप? मेरे हैं बाकी। अल्लाह, और ये बट मिल गया मैनू माशाल्लाह, प्यारे प्यारे माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। ऐसी सियालकोट के बट ने। अच्छा भाई जी, मैं तेरे को एक सवाल पूछना जे। सवाल ये है कि कुड़िया अखा से खीरे रख दी ना मेकअप के दौरान, वेख्या होगा कुड़िया मेकअप कर रही होंगे अखा से रख दी खीरे, ओरी की वजह होंगी है? जवाब नहीं मिले आएगा। मेरे क्यों रख दी ना, तुम दसो, तुम दसो ना क्यों रख दी? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕੁਝ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਈ, ਇਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਖੀਰੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਸ ਚੱਚੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੀਰੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੀਰੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ? दो घट भी यार मेरी गल सुन, तू ना मेनू सियाण लगदा यार, मेरी व्हाट्सएप तुसी नाराज ना होना, तुसी जवाब जिहड़ा ना ओह ऐ करता ही हुण ओह भाजी हुण जवाब दे लैण दिओ। यार मेरी गल सुन, सवाल बड़ा सिंपल है। सवाल ये आ कि जिहड़े खीरे आ ओह ते खाण दे काम आउंदे आ, इह औरतां जिहड़ियां ओह अखां ते रख के मेकअप करा के खीरे जाया करदियां, इह गलत गल है जां नहीं? है गलत। इहदे कमेटी बननी चाहीदी है कि नहीं? नहीं नहीं, अख ते रख के जिहड़ा ना ओह अखां साफ हुंदियां। मैं क्या? अच्छा थोड़ा तो ये भी दसो कि खीरे होंगे कि देर बाद खा सकते हो तो चुके अख तो? क्यों उन्होंने की है वो सब क्रीम लग जाती है, डबल क्रीम डबल मजा पता है। ना ना क्यों तुम खीरा जाया ना हो अख्त रखो, 10 मिनट बाद खा लो, अख्त रखो 10-15 मिनट खा खा के नवा रख दो। जवाब ठीक है यार, बहुत शुक्रिया। ये खान साहब की जो है यहाँ पे मौजूद है, एनके एनकों के हर तरह की आपको एनक मिलेगी, जहाँ पे आपको जो है हर ब्रांड मिलेगा। और ये कैप्स मौजूद हैं, आप देखे ब्रांडेड कैप्स हैं, ये गुची की है, गुची न्यूयॉर्क की पड़ी हुई है कैप्स, तो मैं कहता हूँ हर ब्रांड है। ये इनके पास हेलमेट्स भी हैं और तमाम जो हैंडफी गैजेट्स यहाँ पे मौजूद है, तो ये बड़ा। और ये देखें मेन चीज़ गर्मियों की वो होती हैं जालियाँ, वो भी इनके पास मौजूद हैं। और इन सब का इकलौता मालिक कोई और नहीं, मेरा प्यारा खान भाई आया, ये रहा वो खान भाई। अल्लाह पाक आपके ये कारोबार में बरकत दे, अल्लाह पाक खुश रखे, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भैया, की हाल चाल है? अलहमदुल्ला भैया, ने तुसी ये बनाया नहीं कली पाई है, तो का शॉर्ट पाया, खैर है? बस बहुत गर्मी शर्मी है, तो की करिए, गर्मी शर्मी है बहुत गर्मी आ रही थानू बड़ी ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, की कर दे हो?
जवाब दे दो लड़कियां मेकअप कर दे अखां ते खीरे क्यों रख दियां वा आपने तो जवाब दे के मेला लूट लिया है। वाह बड़ा यार कसम से जवाब। लेकिन जिस तरह की आपकी ड्रेसिंग है ना आप लग बड़े कमाल के रहे हैं। हाँ बहरहाल जो है गर्मी के लिए पानी शानी ज्यादा पिया करें, ज्यादा पानी इस्तेमाल करें तो बड़ी मेहरबानी आपकी। मस्त जोक मारा रे। या हस रे हलकट हस। जब चले बहुत शुक्रिया मेहरबानी। खान साहब देखिए माशाल्लाह कितने लंबे कद काट के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का जी। तबीयत ठीक है? सब खैरियत है। और मड़ा खुश था। खुश तबीयत ठीक है। अच्छा 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 मुझे आप ये बताएं कि ये सलाजीत कहाँ से निकलती है? ये पड़ी से निकलती है जिसको हम पड़ी बताते हैं। पड़ी क्या होती है? पड़ी ऐसे होती है ना वो पहाड़ियों के ऊपर जो बड़े पहाड़ होते हैं ना वो। अच्छा वहाँ से निकलती है? वहाँ से निकलती है। अच्छा पट्टे से निकलती है। हमने सुना है कि जो सलाजीत होती है वो पहाड़ों का पसीना होता है। पहाड़ों का पसीना होता है बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। अच्छा 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 तो आप किस इलाके से हैं? आप फतेहजंग से? फतेहजंग से जी। तो आपके वहाँ पहाड़ हैं? पहाड़ हैं पर उनमें सलाजीत नहीं होती। सलाजीत नहीं वहाँ पर होती है कश्मीर में, नारान कागान कश्मीर में। आए नारान कागान और कश्मीर की बात करके आपने पहाड़ें ताज़ा कर दी जी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी, जज़ाकअल्लाह। भाई जान ने सवाल जो है मैंने नहीं पूछा, उन्होंने पहले हाथ उठा दिए हैं। भाई जान डरे ना डरे ना। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? बकरे बेचने आए। बकरे आपके जाती हैं? जाती है आपके खुद जाती हैं। मशरत दाढ़ी बड़ी प्यारी लग रही है आपके। ये मैंने कहा दाढ़ी बड़ी अच्छी रखी हुई है आपने। बस नबी पाक के संत है ये तो अच्छी लगती है। ये मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ी प्यारी है आपकी ना, अच्छी लग रही है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जो है सलाजीत वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ से निकलती है, पत्थर से? नहीं नहीं आपको किसने बताया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। किस से निकलती है आप बताएं ना? पहाड़ से निकलती। किस पहाड़ से निकलती है, किस पत्थर से निकलती है? उस्तान में पत्थर से निकलती है। नहीं आप बताएं ना कौन से पहाड़ से कौन से पत्थर से? कश्मीर वाले पहाड़। वहाँ पे आपने देखी है निकलती हुई? निकाली भी है। ये सारी लेदर की कितनी कमाल की जैकेट्स हैं ये देखें। तो मैं जो आया था मैंने कहा कि शर्ट्स वगैरह देखूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े आउटलेट हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज मौजूद हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो ये जो है ट्राउज़र्स शर्ट्स किट्स वगैरह जो है ऑर्डर्स पर भी तैयार करवाई जा सकती हैं। तो ये सारा जो है यहाँ पर स्टफ लगा हुआ है। तो मेरा फर्स्ट टाइम ये विजिट है सियालकोट में, जो है वो किसी एक शॉप में मैं पहली मरतबा आया हूँ जहाँ पे मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मेरा कहना है सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो हम उनसे पूछते हैं उनकी शॉप के ओनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये शॉप में आप काम करते हैं, ये आपकी है? आपकी अपनी है। अच्छा फिर तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। सर ये मुझे बताएंगे ये मैंने डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे देखी है, मुझे जैसे कि मेरे व्यूअर्स भी देख सकते हैं हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है, शर्ट्स हैं उसके डिफरेंट स्टफ्स हैं। तो सर मुझे बताइए ये कहाँ का है, ये आपका माल ज़्यादातर किधर का होता है? ये हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा आप एक्सपोर्ट का ये माल है सर आपका? माल है और इधर पाकिस्तान में भी हम ज़्यादातर ना ऑनलाइन करते हैं। अच्छा आप ऑनलाइन जो है वो सेल करते हैं? अच्छा ये सारा जो स्टफ है ये सर्दियों का है या फिर ये, क्योंकि मुझे वो देखे ना वो जैसे कोट है, ये लेदर की जैकेट है इसमें रैक्सीन है और इसमें ट्रैक सूट है मिश्रो पीस में कॉटन फ्लीस में। अच्छा अच्छा सर्दियों वाला स्टफ है और ये इधर गर्मियों वाला, ये गर्मियों वाला स्टफ है। तो सर ये कितने का एक आप इसको देते हैं सेल करते हैं, कितने का? 1200 रुपये का सूट हम सेल करते हैं। अच्छा ये 1200 का और एक्सपोर्ट में ये कितने का देते हैं आप? एक्सपोर्ट में तो फिर डिफरेंट है ना, वो डॉलर में होता है। अच्छा वो डॉलर में होता है।
तो अच्छा, अगर हमने अगर आप कोई कारोबार इस तरह स्टार्ट करना हो तो आपसे जो है वो बल्क में जो है सामान ले सकते हैं और कर सकते हैं, जब मर्जी आ रहे हैं आप। अच्छा 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 सर, मुझे को बताएं कि गर्मियों ये जो जैकेट है लेदर की, ये लेदर की जैकेट है, इसका क्या रेट है? ये लेदर की व्यूअर्स ये जैकेट देखें, क्योंकि सर्दियों में ये जैकेट तो बहुत महंगी होती है, तो अभी इसका क्या गर्मियों में रेट है सर? इसका 550 है। 550 मतलब जब सीजन होता है ना उस वक्त तो ये 8-9 हज़ार तक। अच्छा, अभी 5500 इसका रेट है, 5500 आउट ऑफ सीजन है ना। अच्छा अच्छा, तो ये फ्रेश है? जी बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा, ये आपका पीछे जो है वो वहाँ पे ये जो है इनका यहाँ पे पूरा सेटअप है, जहाँ पे ये शर्ट्स तैयार करते हैं। ये तो मुझे लगता है जैसे मैं पाकिस्तान के झंडे बनाने वाली जगह पे आ गया हूँ। ये देखिए हर तरह का माशाल्लाह से सामान है। बड़े अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो जो है ना यहाँ पे ये देखिए, ये कपड़ा है, ये शर्ट्स, ये ट्राउजर्स तैयार हुए हुए हैं यहाँ पे जो है। इनके पास जो है वो सारे जो है वो मशीनरी गैजेट्स और इनके पास हर किस्म की जो है वो सहूलियात मौजूद हैं। और ये देखें, ये कटिंग हुई हुई है कपड़ों की, ये देखें हर तरह, ये शीट्स हैं या जो भी। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप है। तो अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। मुझे जो है ये फर्स्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं जो है किसी सिटी में आके इस तरह जो है मैंने वो शॉप को विज़िट किया, लेकिन जो है मैंने फुल जो है वो इंजॉय किया है। तो ये देखें, मुझे ये वाली शर्ट बड़ी प्यारी लगी है, बहुत पसंद आई है। तो इंशाल्लाह ताला हसन जो है वो जब आएगा तो हसन स्पेशली तुम्हारे लिए यार, तुम्हारे लिए जो है ना मुझे शॉप्स मिल गई हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे स्टफ्स मौजूद हैं। अब तुम्हारी शॉपिंग मैं यहाँ से करूँगा इंशाअल्लाह, और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे जो है वो ट्रैक सूट्स और हर तरह की जो है वो जैकेट्स, लेदर वगैरह जो भी आपको चाहिए होगा कोई जैसे लेकर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी और एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल मौजूद है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे टाइम दिया, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हर कुछ करने के बाद अब हम चलते हैं वापसी, क्योंकि देर हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो है अब हम जा रहे हैं वापस, आप देख सकते हैं रात बल्कि शाम हो चुकी है। तो शाम के बाद हम बाहर नहीं निकलते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे ब्लॉग्स को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।